रणबीर अदरीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है, लेकिन बाजवा फैमिली तो अदरीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहे, वहाँ जाके सब पता चलता है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अदरीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब रखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। भाई आज तो अहम अपनी नई गाड़ी में ऑफिस जाएगा। जी पापा, भाई आज बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने उनको उनकी मनपसंद गाड़ी जो गिफ्ट की है। जब पापा जी ने गाड़ी की चाबी दी थी तब तो मैं वही थी। भाई वाह, अहम जी को शानदार गाड़ी और किंजल बेन को हीरे के जेवर। मतलब जो कुछ भी है यही लोग हैं। मैं तो इस घर की सदस्य हूं ही नहीं। राशि बेटा, यूं परोसते परोसते रुक क्यों गई? अब वो सॉरी पापा जी, मुझे ना किचन में कुछ काम याद आ गया, वो कुछ लाना है, मैं अभी ले आती हूँ। जय श्री कृष्ण, मैं मोदी भवन से कोकिला मोदी बोल रही हूँ। बोलिए बेन। बोलने के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए मैंने फोन किया है। आपने कल केक देर से भिजवाया और ऊपर से वो केक गलत था। देखिए बेन, मानता हूँ देर हो गई है, लेकिन गलत कैसे भेज सकता हूँ? मैंने तो वही भेजा जो मिसेस गोपी ने ऑर्डर दिया था। देखिए, गोपी वो यहीं पर है और उसने मुझे कहा कि उसने ऐसा कोई केक ऑर्डर नहीं किया था जिसमें कार्टून कैरेक्टर हो। बेन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी गोपी वो भी झूठ नहीं बोलती है, गलती आपकी तरफ से हुई है। देखिए बेन, पहले उन्होंने प्लेन चॉकलेट केक ही कहा था, फिर उन्होंने फोन करके कहा कि उनको कार्टून वाला चाहिए। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। एक मिनट गोपी वो, तुमने केक के लिए 2 बार फोन किया था? नहीं माँ जी, मैंने बस एक ही बार फोन किया था। एक बात बताइए भाई साहब, वो जो 2 बार फोन आया था तो एक ही आवाज थी क्या? ये कागड़ी कर क्या रही है? हाँ शायद, लेकिन पक्के से नहीं, लेकिन मैं आवाज सुन के जरूर बोल सकता हूँ। मेहरबानी करके आप कुछ समय के लिए मोदी भवन आ जाइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर गलत केक का ऑर्डर किसने दिया। सारू, जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, केक वाला थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। उसने कहा कि वो आवाज पहचान लेगा जिसने वो गलत केक का ऑर्डर दिया था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ऐसा करूं कोई बहाना बना के घर से बाहर निकल जाऊं? कम से कम वो केक वाला यहाँ आएगा तो आवाज की पहचान करने से तो मैं बच जाऊंगी। जैसे भी, मुझे उस कागड़ी से दूर ही रहना चाहिए। चलो कोई नहीं है, मैं एक काम करती, 4-5 बर्फ के टुकड़े ना खा ही लेती हूँ, गला गला बैठ ही जाएगा। कहीं ये केक वाला तो नहीं? मैं राशि, क्या कर रही हो तुम? ये कैसी आवाजें आ रही थी? वो काकी जी, वो क्या है ना, मेरा गला बहुत खराब है। आपने
मेरी खांसी की आवाज सुनी होगी। अच्छा, लेकिन माँ जी वो केक वाले भाई साहब आ गए। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण। ये है मेरी बहू राशि। एक मिनट भाई साहब, मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन लगाती हूँ आपके मोबाइल पर। क्या है कि फोन पर आवाज थोड़ी बदल जाती है, तो अगर आप अपने मोबाइल पे वो आवाज सुनेंगे तो आप और अच्छी तरह से उसे पहचान पाएंगे और हमें बता पाएंगे, बराबर ने? जी। भाई साहब मेहरबानी करके आप थोड़े दूर जाएंगे। जी। कौन है ये कोकिला? मोटा भाभी, ये जिन्होंने केक का ऑर्डर लिया था वही है। इन्होंने कहा कि वो आवाज बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान लेंगे जिसने केक का ऑर्डर दिया था। गोपी बाऊ फोन लो और कहो कि केक का ऑर्डर देना है। जय श्री कृष्णा। केक वाले भाई, मैं गोपी बोल रही हूँ मोदी भवन से। हमें चॉकलेट केक चाहिए, 2 किलो बिना अंडे वाला और सादा। धन्यवाद। बिन, इस आवाज से बात तो हुई थी लेकिन फोन में कुछ डिस्टरबेंस था। कुछ सेकंड बाद जिस आवाज से बात हुई थी वो बिल्कुल अलग थी। हे भगवान, मेरी आवाज कुछ अलग सुनाई पड़े। वैसे मैंने बहुत सारा बर्फ तो खा लिया है। जी भाई साहब, जरा आप उस तरफ देखेंगे। फोन मुझे दो। अरे ना मोटा भाभी, आप क्यों कहेंगी फोन पर? मैंने तो इसलिए कहा कि मैं चाह रही थी कि भाई साहब आवाज पहचानने में कितने माहिर है ये देखना चाह रही थी। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे मोटा भाभी। राशि, अब तुम बोलो। राशि, मैंने कुछ बोलने के लिए कहा है। अब वो भाई साहब, वो कार्टून केक का ऑर्डर देना था। मणि, जाओ जाकर एक गिलास जल्दी से गर्म पानी लेकर आ जा। जी। राशि भाभी, अब तो मैं पकड़ी गई। अब बोलो, बोलो राशि। वो भाई साहब, हमें चॉकलेट केक का ऑर्डर देना है। राशि, अब तुम बोलो। हेलो भाई साहब, वो मुझे कार्टून वाला केक ऑर्डर करना है। नहीं, ये आवाज भी नहीं थी। हाँ, लेकिन पहली वाली आवाज से कुछ मिलती थी लेकिन वैसी नहीं थी। इसने आवाज क्यों नहीं पहचानी? ओहो,
मैं तो गोपी की नकल करने की कोशिश कर रही थी, शायद इसीलिए बच गई। खैर बहन, वो सब जान लीजिए, लेकिन ये पक्का है कि ऑर्डर इसी घर से था और मेरे कॉलर आईडी पे आप ही का नंबर है। सारू, लेकिन भाई साहब आपसे एक विनती है, अगली बार जब भी मोदी भवन से ऑर्डर दिया जाए तो एक बार आप मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपने इतना कष्ट उठाया और यहाँ आए उसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है राशि, ये खांसी? जी मम्मी जी, वो क्या है ना, आज सवेरे से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वैसे मैंने काकी जी को कहा भी था। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो और खांसी की दवाई जरूर ले लेना। रुको राशि, एक बात बताओ, अचानक तुम्हारा गला कैसे खराब हो गया? कोकिला, होता है कभी कभी ऐसा, वो बाहर का कुछ खा लिया होगा, जेने माफक नहीं आवी होए, इतले। हाँ मोटा भाभी, वैसे भी आपकी बहू राशि बहुत नाजुक है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है इससे। तुम्हारी खांसी के लिए मैं काढ़ा बनाती हूँ, उसे पी लो। जी काकी जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।